हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज, आज की वीडियो में हम इस प्रकार के सिंपल ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। और इस ब्लाउज में आप देख सकते हैं कि इसके आर्म होल में कोई फुलान वगैरह नहीं है, और बैक पार्ट में भी इसके आप देख सकते हैं कि विदाउट डोरी ये हमारा शोल्डर से बिल्कुल उतरने का कोई मतलब नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे शोल्डर डाउन होने की नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिना डोरी के ये हमारा टिका हुआ है। आर्म होल में भी कोई झोल वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार के ब्लाउज की कटिंग आज हम सीखेंगे। यहाँ पे हमने जो इसका मेजरमेंट लिया है, ब्लाउज की जो लेंथ रखनी है 12.5 इंच रेडी रखनी है, चेस्ट की साइज 34 इंच है, कमर की 26.5 इंच है, बाजू की लेंथ 5 इंच की रखनी है रेडी, आगे का गला 6 इंच है, पीछे का गला 9 इंच है, आर्म होल की साइज 12 इंच है। इसी मेजरमेंट पे हमको कटिंग करनी है। हमने अस्तर का फोल्ड इस प्रकार से लेना है। यह फोल्ड हमारा कितना होगा, जो हमारी चेस्ट की साइज है उसको हम फोर्थ भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच हो गया 34 का फोर्थ भाग। अब हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 10.5 इंच का हमारा यहाँ पे फोल्ड होना चाहिए। आपकी जो भी साइज है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, उसका फोर्थ भाग प्लस में मार्जिन रखिए। नीचे से हमने लाइन को इस प्रकार से सीधा कर लिया है कपड़े को। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ हमको कितनी रखनी है, जैसे लेंथ हमको 12.5 इंच रेडी रखनी है, तो हम 13.5 इंच 1 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। आपकी जो भी लेंथ है रेडी, उसमें 1 इंच आप ऐड करके लंबाई का निशान इस प्रकार से लगा लीजिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे फोल्डेड साइड से। यहाँ पे हमने 2.25 इंच का गला लिया है, 5.5 इंच का तीरा, और आर्म होल भी हम 34 इंच में 5.5 इंच का रखे हैं इस प्रकार से। अगर आपका चेस्ट साइज ज़्यादा है तो आप आर्म होल को बढ़ा के रखिए, जैसे 40 है 38 है तो आप इसको 6.25 तक रख सकते हो। इस प्रकार से आर्म होल की हमने लाइन कंप्लीट कर ली है। गले के साइड से भी 5.5 इंच रखते हुए यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा 9 इंच का है, डीप है, ये बैक पार्ट हमारा है। नीचे से गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच की रखी, थोड़ा सा ब्रॉड रखा है। आप यहाँ पे कोई भी अदर शेप दे सकते हो, मैं यहाँ पे राउंड शेप नेक पे दे रही हूँ। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट में हम 1.5 इंच से लेंगे, कोने से 1.5 इंच से हम यहाँ पे लेंगे। फ्रंट पार्ट में ये चीज हमारा चेंज होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हम यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे, जो भी आपकी चेस्ट की साइज है उसका फोर्थ भाग यहाँ पे रखिए। कमर का फोर्थ भाग प्लस में 1 इंच यहाँ पे आपको जो प्लेटें पड़ती हैं नीचे उसका रखना है। तो कमर का फोर्थ भाग प्लस में 1 इंच प्लेट के लिए, और ये हमारी फिटिंग की लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और आप जितना मार्जिन छोड़े हैं उतना आपको नीचे से भी मार्जिन देख के ले लेना। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखी हूँ, तो 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन की लाइन लगा लेंगे। प्लेट के लिए हम यहाँ पे गले के साइड से 4.25 इंच पे इस प्रकार से देख लेंगे, और ऊंचाई में हम इसको 4.5 इंच रखते हुए इस प्रकार से लाइन लगा लेंगे। जो हमारा 1 इंच प्लेट का यहाँ पे हमने रखा था, वही हम 1/2 इंच दोनों साइड से इस प्रकार से इसमें प्लेट में कवर करेंगे। तो ये 1 इंच हमारा कवर हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम सारे कमेंट रीड करते हैं, उनके रिप्लाई भी देते हैं। आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, एक वीडियो देखने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे हम छोटा सा कट डाल देंगे, चेस्ट में भी हम छोटा सा कट डाल देंगे। दोनों साइड हम इस मार्क को लगा लेंगे। तो बैक पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए इस प्रकार से एक इंच का मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारा बेल्ट वाले ब्लाउज में होगा। अगर आप फोर टेक्स सिंपल कट कर रहे हैं तो आपको ये मार्क नहीं रखना है। और बंद वाली साइड से आपको हुक हाई की पट्टी के लिए एक मार्क लगाना होता है, जो हमारा 1/4 इंच का रहेगा। इस प्रकार से हम 1/4 इंच छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना, 1/2 इंच से कम ही आपको छोड़ना है। यहाँ पर 1/4 इंच हम यहाँ पे छोड़ते हुए इस प्रकार से बैक पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। नीचे से 1 इंच बढ़ा के इस पार्ट को हम रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज का पैटर्न है। तो यहाँ पे ये बेल्ट वाला का मार्जिन होगा। ऊपर की साइड से हमने गले को छोटा करना है। गला हमारा आगे का जो है 6 इंच का है, तो हम यहाँ पे इसको नाप के फिर से सेट कर लेंगे। राउंड शेप हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे।
आर्म होल को हमको आगे वाले पार्ट में डाउन करना होता है, लेकिन कटिंग हम इसी के ऊपर कर लेंगे, बाद में हम इसको डाउन कर देंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को हटा देंगे, यहाँ पे हमने कट लगा दिया, स्टिचिंग के टाइम हमें पता चले कि यहीं से हमारी फिटिंग की लाइन गई है। अब हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ से आर्म होल को हम फिर से देख लेंगे। जो हमने हुक हाइक का मार्जिन रखा उसको छोड़ते हुए 5.5 इंच हमने आर्म होल रखा। इस प्रकार से लाइन को कंप्लीट करेंगे, आर्म होल यहाँ पे हम डाउन कर देंगे 1.25 इंच के करीब। तो आपको इस प्रकार से 1.25 इंच के करीब डाउन कर देना है। ये डाउन करने का मतलब यही है कि आपके आर्म होल में परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई झोल फुलान वगैरह नहीं आएगा। अब हम टेक्स्ट के लिए 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, बेल्ट के लिए एक 12 इंच पे, गले की साइड से ये हमारा 4.25 इंच पे होगा। ऊपर वाले टेक्स्ट से हम 1.5 इंच सारे टेक्स्ट जो चारों टेक्स्ट लगते हैं उनको हम इस प्रकार से डाउन कर देंगे, एक आर्म होल में, एक गले में, एक नीचे, एक कमर की साइड। बेल्ट का निशान हम इस प्रकार से क्रॉस में करते हुए कट कर लेंगे और कमर की साइड से 1.5 इंच ऊपर हम इस निशान को जो कमर वाला टैक्स है यहाँ पे इसको मिला देंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, गले को भी हम, आर्म होल यहाँ पे हमको डाउन करना है। फ्रंट पार्ट में आप सूट की कटिंग करें या फिर ब्लाउज को, आर्म होल आपको जरूर डाउन करना होता है। टेक्स्ट पॉइंट को दोनों साइड लाने के लिए हम किसी नुकीली चीज़ से इस प्रकार से निशान बना लेंगे और दूसरी साइड जब निशान हमें दिखेगा तो इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हमको कितना फोल्ड लेना है, जो भी आपकी चेस्ट की साइज है, जैसे इस केस में 34 इंच है, उसका 4th भाग 8.5 इंच, 8.5 इंच का हमको चौड़ाई में फोल्ड रखना है। लेंथ आपको कितनी लेनी है, लेंथ आपको 5 इंच रेडी रखनी है, तो आपको 1 इंच प्लस करके लेनी है, 6 इंच की लेनी है। अगर आपको आगे फोल्ड करना है, पीस वाला ब्लाउज है, तो आपको फोल्डेड जो आगे 1 इंच का होगा वो भी आपको ऐड करना होगा। इस प्रकार से हमने 4 फोल्ड इसको कर दिया। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे एक बार फिर से। मुद्दा की साइज आपकी क्या है, यहाँ पे 5 इंच है, तो हमने 5 इंच पे निशान लगाया, प्लस में 2 इंच का मार्जिन, ऊपर से हमने 2.5 इंच पे डाउन किया, इस प्रकार से एक लाइन लगा दिया। और जो आर्म होल की साइज है उसका हाफ रखना, तो आर्म होल यहाँ पे 12 इंच है, हमने 6 इंच रख लिया, प्लस में 2 इंच का मार्जिन रख लिया। और इस प्रकार से हम ऊपर से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और ये हम यहाँ पे फिटिंग की लाइन लगा लेंगे, ये कटिंग की लाइन है। आगे के साइड से हमको आगे वाले प्लेट में जो फ्रंट पार्ट पे आएगा वहाँ पे हमको डाउन मार्क लगाना होता है। आर्म होल को डाउन करते हैं स्लीव में भी, तो वो हम जब अटैच करते हैं तभी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, सेंटर में भी कट लगा देंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक को हमने जो पट्टी है स्लीव की इसको निकाल देना है, सीधी साइड ये हमारा है, तो हमने इस पट्टी को सबसे पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम सीधी साइड ऊपर की साइड इस प्रकार से फैला लेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट को इस प्रकार से निकालेंगे, जो टेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अंदर की साइड इस प्रकार से जाएगा। और हम फैला के इसको 1/2 इंच का मार्जिन चारों साइड से रखते हुए इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, नेक हम जब अटैच कर लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को तभी कट करेंगे। इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया। अब सीधी साइड ही हमको स्लीव की भी कटिंग करनी है। दोनों स्लीव हम इसी साइड से इस प्रकार से निकाल लेंगे। स्लीव और बैक पार्ट हम पलटते हैं अंदर की साइड, तो सीधी साइड हमारा ऊपर की साइड आ जाता है। गाइज, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पर डेली आपको कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मिलती रहती है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं छोटे छोटे आइडियाज स्टिचिंग से रिलेटेड देती रहती हूँ। और आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फैब्रिक को इस प्रकार से पलट लेंगे। आगे वाले पार्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम पलटाते नहीं, इसलिए हम उल्टी वाली साइड जो है कपड़े का ऊपर की साइड रखते हुए इस प्रकार से सेट करेंगे।
जो नीचे का बेल्ट है उसके नीचे हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, जिसमें हमें कमर पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। इसी को हम मेन फैब्रिक को ही फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। हम ऑल पिन टक करते जाएंगे। और इस ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है, सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ब्लाउज को सिलाई कैसे करनी, ब्लाउज में पाइपिंग कैसे अटैच करनी है, अगर आपके स्लीव कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। और कटोरी वाले ब्लाउज की, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी, सारी वीडियो आपको डिटेल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने एक हमारा जो बेल्ट है बच गया था, उसको हम इस प्रकार से यहाँ कट कर लेंगे, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। अब जो हमारा ये फैब्रिक बचा है, यहाँ से हम 2 लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे गले की डोरी के लिए जो लगती है। और आपके पास अगर फैब्रिक ना बचे तो आप रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं, और मेरे पास फैब्रिक है। अब हम यहाँ से पाइपिंग के लिए कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए देखिए, हमको कपड़े को देख लेना है किस साइड से हमारा कपड़ा खींच रहा है, उसी साइड से और ये भी कटिंग हमको पाइपिंग करनी होती है। तो हम इस प्रकार से 1 इंच की पट्टी कट करेंगे। पीछे के साइड मेरे को लेस लगाना है, इसलिए मैं आगे ही पाइपिंग डालूँगी बस। तो एक पट्टी हमारी इनफ है। आपको इन वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे ब्लाउज को स्टिच करना है। सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि पाइपिंग कैसे अटैच करना है, स्टिच कैसे करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।